झाबुआ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां के मोनी मिनरल फैक्ट्री में एक मजदूर की छत से गिरने से मौत हो गई। दरअसल मजदूर टीन शेड सुधारने के लिए छत पर चढ़ा था, इस दौरान पैर फिसलने से वो छत से गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों द्वारा फैक्ट्री मालिक पर समय पर अस्पताल न पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकार लाखों खर्च कर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए तैयार की गई एम्बुलेंस कबाड़ हो रही है। बता दें आपको, जिला अस्पताल के आवासीय परिसर में रखी गई सर्व सुविधा युक्त दोनों एम्बुलेंस का करीब 6 महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। बता दें आपको, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी और अन्य रोगों की जांच और इलाज के लिए लाखों खर्च कर इन दोनों एम्बुलेंस को तैयार किया गया था, जिसका संचालन एक एनजीओ के माध्यम से हो रहा था, लेकिन आवंटन की कमी का हवाला देकर दोनों ही एम्बुलेंस को बंद कर दिया गया और तभी से एम्बुलेंस अस्पताल के आवासीय परिसर में ही खड़ी हैं। वहीं इस पर जिम्मेदारों का कहना है कि इसका संचालन एनजीओ के माध्यम से हो रहा था और उन्हें ही इसका संचालन करना चाहिए। कहना कि कोई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6-7 जिलों को दी थी गाड़ियां, ये क्या ऑन द स्पॉट जाके मरीजों का मतलब परीक्षण करना और वहीं टेस्ट करके उनको ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक जो भी हो वो देना, ऐसा था। लेकिन अभी कारणवश क्या है, इनका जो एनजीओ चलाते थे वो शायद रिटायर हो गए हैं और बहुत जल्दी ऐसा बताया गया डीटीओ के द्वारा कि 2-3 महीने में जो अंडर प्रोसीजर है पुनः चालू करने का। गाड़ियों को वही एनजीओ ही करेंगे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए। नहीं, मेंटेनेंस तो उसमें नहीं है ज़्यादा, गाड़ी अच्छी कंडीशन में।